कांग्रेस नेता और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की आज संसद से सदस्यता रद्द कर दी गई। दरअसल राहुल गांधी केरल के वायनाड क्षेत्र से संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीते हुए थे और सांसद थे, लेकिन कल अहमदाबाद गुजरात की एक कोर्ट ने उनको सजा सुनाई थी और उस मामले के अंदर आज त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर लोकसभा के द्वारा राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई है। राहुल गांधी को 2 साल की सजा भी सुनाई गई। इस मामले में राहुल गांधी और कांग्रेस आगे की रणनीति बना रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब राहुल गांधी केरल वायनाड क्षेत्र से जो उनके संसदीय सत्र यानी सांसद थे वो अब नहीं रहेंगे। और साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि अगर दोष उच्च न्यायालय के अंदर भी साबित रहता है तो फिर राहुल गांधी आगामी कुछ सालों तक यानी 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। और एक तरीके से देखें तो 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ना राहुल गांधी के लिए आत्मघाती या राजनीतिक तौर से एक बड़ी घटना मानी जा सकती है। लेकिन इसी बीच आज इस घटनाक्रम पर सभी विपक्षी पार्टियां लगभग एकजुट नजर आई। हालांकि बहुजन समाज पार्टी ने अभी तक इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है और अधिकांश ये चांस है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की इस पर प्रतिक्रिया आएगी, लेकिन वो कब आएगी ये कहना अभी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे में ये आज भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा, जो आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं, उन्होंने लिखा, राहुल गांधी की आज सदस्यता खत्म होना देश के लिए लोकतंत्र पर एक बड़ा हमला है, संविधान को कमजोर करने की साजिश है। स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए तानाशाही सरकार के सामने मजबूत विपक्ष भी जरूरी है। ये अघोषित आपातकाल है और गलत का विरोध होना बहुत जरूरी है। ध्यान रहे, बड़े से बड़े तानाशाहों का भी तख्त तो ताज बचा नहीं है। ये चंद्रशेखर आजाद ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा। इसके अलावा अखिलेश यादव ने भी इस मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव सहित विपक्ष के तमाम नेताओं ने इस पर आपको बता दें अपनी प्रतिक्रिया दी है। और इस घटनाक्रम के सामने आने के बाद राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए उनकी बहन प्रियंका गांधी और माँ सोनिया गांधी भी उनके आवास पर मिलने के लिए पहुंची थी। और राहुल गांधी के आवास के बाद बड़ी संख्या में इस वक्त सुरक्षा है वो तैनात कर दी गई है। मिलेंगे अपडेटों के साथ। आप चलिए विदा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।